देखिए सुबह से ही जैसे हमने अपने दर्शकों को बताया था कि बड़े नाम इस बार कटने वाले हैं, दो बड़े नाम जम्मू कश्मीर में, हम आपको बताएं कि पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके डॉक्टर निर्मल सिंह, उनका नाम नहीं है, वो पहले बिलावर के इलाके से लड़ते थे लेकिन बिलावर में नए चेहरे को सामने लाया गया। इसी तरह से जम्मू में कविंदर गुप्ता एक बहुत बड़ा नाम है, वो भी बीजेपी की तरफ से पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उनका भी नाम इस लिस्ट में नहीं है। यानी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा सोच समझकर जो आरएसएस बीएचपी और जो युवा चेहरे हैं उन्हें लाया है। जैसे हमारे साथी अनंत बता रहे थे कि गेम चेंजर माने जाते हैं राम माधव, और एक हफ्ते से जब से राम माधव की एंट्री हुई है, राम माधव का ये कहना है कि जो ऑलरेडी चल चुके एक घोड़े हैं उन्हें ना लाया जाए और नए चेहरों को लाया जाए, यही वजह है। हम आपको बताएं शगुन परिहार, ये बिल्कुल लड़की है 25-30 साल की, किश्तवाड़ से इनके पिताजी अजीत परिहार और उनके भाई अनिल परिहार की वहां पर आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, इसे इन्हें वो लाया गया है। इसके अलावा डोडा से जिस तरह से राणा को लाया गया है, वो सनातन धर्म सभा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है और काफी देर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह से एबीवीपी में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुके और रामनगर से युवा चेहरा है, प्रोफेसर है और आपके सुनील, उन्हें लाया गया है। तमाम जो नए चेहरे हैं उन्हें उतारा गया है, पुराने नेताओं को इस बार तरजीहत कम मिली है। रोहित दुबे एक युवा चेहरा है वैष्णो देवी टिकट पर, उसे लाया गया है। कुलदीप दुबे नवाज नया चेहरा है, उसे लाया गया है। इसी तरह से आपको हम बताएं चीफ स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के आरएस पठानिया, उनका नाम भी इसमें से मिसिंग है। और वाइस प्रेसिडेंट है फिलहाल पवन खजूरिया, उनका भी नाम मिसिंग है, हालांकि वो दोनों उधमपुर ईस्ट के दावेदार है, उधमपुर ईस्ट को अभी फिलहाल के लिए पेंडिंग रखा गया है। तमाम नए नाम, अरविंद गुप्ता जम्मू से एक नया नाम जो है वो सामने आया है, इस तरह से तमाम नए नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि नए चेहरों को लाएंगे तो उसके दो फायदे होंगे। एक तो जिस तरह से पिछले 10 सालों में, अगर पहले 4-5 साल जो है वो बीजेपी के साथ एमएलए बने थे और उसके बाद भी क्योंकि गवर्नर रूरल प्रेसिडेंट जो रूल, लोगों को इन्हीं एमएलए से उम्मीद थी, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना नहीं करना पड़ेगा। युवा चेहरा अगर आप लाएंगे तो जमीनी स्तर पर आप कह सकते हैं कि हमने जो है वो कैंडिडेट बदल दिया है। दूसरा, युवा चेहरे के साथ नए लोग जो है वो जुड़ते हैं और बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार 30 से 35 सीटें वो कम से कम जम्मू से इन युवा चेहरों के सहारे लेके आए, क्योंकि कश्मीर में आपने देखा 8 सीटों पर कैंडिडेट जो है वो उतारे गए हैं। इसके अलावा कश्मीर में इंजीनियर रशीद के साथ भी जो उनके जो आगे सपुत्र हैं और जो बाकी उनके पार्टी कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट एक किस्म से बातचीत जो है वो चल रही है, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक तमाम कई सीटों पर इंजीनियर रशीद के जो कैंडिडेट्स हैं वो वहां पे उतारे जाएंगे। इसके अलावा तमाम जो हम ये कहेंगे कि वो लोग जिन्होंने देश का झंडा पिछले 4-5 सालों में उठाया है और जिनके साथ एक ट्यूनिंग जो है वो बैठती है, 3-4 दिन राम माधव रहे कश्मीर में, उन्होंने 1-to-1 बातचीत की है, तमाम इंडिपेंडेंट चेहरों को कश्मीर में जो है वो बीजेपी सपोर्ट करेगी। माना यह जा रहा है कि 47 में से 35 सीटों पर इंडिपेंडेंट चेहरों को कश्मीर में बीजेपी सपोर्ट करने जा रही है। ये ऐलान जो है होने के बाद अब सबका ध्यान जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलाइन की लिस्टों पर है, क्योंकि अभी तक किसी की भी यहाँ से लिस्ट दोनों पार्टियों में से जारी नहीं हुई है। कल पहले फेज के 24 जो विधानसभा क्षेत्र है वहां